अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम थाली बना रहे हैं, ठीक है। द लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन आर थाली। थाली में हमेशा चावल होते हैं, पापड़ होते हैं, अचार होता है, दही की कड़ी होती है, कोई सब्ज़ी होती है, दालें होती हैं। आपको पता है मैं आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थाली पहले भी बनाना सिखा चुकी हूँ। आप सोचेंगे मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने सिर्फ पापड़ को तल के रेडी करके रखा है, रायता है, सैलड के साथ हम इसको सर्व करेंगे। सो देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, हमें फ़ीडबैक देते रहिएगा। आज सबसे पहले हम बनाएंगे अरबी। अब अरबी यानी कोलोकेसिया रूट्स जो होते हैं, टारो भी उसको कहते हैं, ये इस तरह देखें काट दिया है मैच स्टिक्स में, ठीक है। और छिलका उतार दीजिएगा, अच्छी तरह उसको धोइएगा और फिर इसको मैच स्टिक्स में इस तरह काट दीजिएगा। अब इसको हमें क्या करना है, एक अचारी मसाला टाइप हम बनाएंगे, सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे, ग्राइंडर में डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसको ड्राई रोस्ट करेंगे, यानी तेल के बगैर इसको फ्राइंग पैन में रोस्ट करेंगे और फिर उसको हम पका लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक दाल बनाएंगे, दाल मैं उबाल के लेके आई हूँ ताकि जल्दी से हो जाए हमारी रेसिपी तैयार। ये अरहर की दाल है, यानी तुअर की दाल, जिससे हम लोग धनसाक भी बनाते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली दाल। और इस फिर इसके बाद हम आलू के गुटके बनाएंगे, आलू के बड़े बड़े पीसेस बॉईल करके लाई हूँ, उसको मसाले में कोट करके बनाएंगे। उसके बाद हम ऑलपर्स के क्रीम और मिल्क को इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे पनीर इन अ नाइस क्रीमी ग्रेवी। वो भी आप देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, रेसिपीज ट्राई करिएगा, बहुत सारा काम है आज। बातें मैं ज़रा कम करना चाह रही हूँ, और जो सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ आज, वो जो बच जाएंगी उनको भी कैसे स्टोर करते हैं, वो हमारे पास अपोलो वेयर है, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स एंड शेप्स ऑफ बॉक्सेस, बहुत अच्छे एयरटाइट। सबसे पहले यहाँ आ जाइए, देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें डालनी है। सो साबुत ज़ीरा है, इसमें मेथी दाना है, ठीक है, फिर इसमें हम थोड़ी सी अदरक यूज़ करेंगे, सौंफ है और राई दाना है और कलौंजी है, ठीक है। ये आपने पहले यहाँ टोस्ट करना है, जस्ट टोस्ट एवरीथिंग क्विकली और फिर इसमें डाल के इसको आप पीस लीजिए। फिर हम थोड़ा सा तेल लेंगे, उसमें यहाँ मेरे पास लाल मिर्चें हैं, राई दाना है, आमचूर यानी खटाई का पाउडर है, लाल मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं, धनिया है, ये सारी चीज़ों को हम मिक्स करके उसका एक मसाला बना के फिर हम अरबी को इसमें फ्राई करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा डालते रहेंगे। मीठे में आज हम ज़र्दा बना रहे हैं, विच विल ऑल्सो गो इन आर थाली। सो देखिएगा, पूरा घंटा मैं आपके साथ यहाँ लाइव हूँ, 3 से 4 मसाला टीवी पे, सैटरडे संडे हफ्ते एतवार रात में 8:30 बजे हमारा शो रिपीट होता है। और आज हम दे रहे हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट स्लाइसर एनएक्स की तरफ से। अगर आपको जीतना है तो जल्दी से 888-1 पे आप मुझे बताएंगे सब्ज़ियों की रेसिपीज़ के नाम, ठीक है। सोच के रखिएगा, अच्छी सी मज़ेदार सी कोई सब्ज़ियों की रेसिपीज़ के नाम लिखिए, 888-1 पे हमें मैसेज करिए, मसाला एफडी लिखिए, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। Now only if I can get this started. Bakhtiyar, ये मशीन सिर्फ आपसे चलता है। आ जाइए, आपका मशीन है, आप जाने, आइए आइए, कोई बात नहीं। See, मैंने कहा था ना, बस ये अब बख्तियार का टच है, इनसे ही चलता है ये मशीन। ओके, चलिए इसी में से थोड़ा सा तेल लेती हूँ मैं। वेस्ट नहीं करते हैं कुछ भी। ओके, अब इसमें मैं डालूंगी मस्टर्ड सीड्स यानी राई दाना, ठीक है, और ये थोड़े से इसमें नाइजेला सीड्स यानी के कलौंजी वगैरह जो बच गई थी वो भी ले लेते हैं साथ, थोड़ा सा और साबुत ज़ीरा लेंगे, हरी मिर्चें हैं, एंड अब मैं इसमें डाल दूंगी ये अरबी, जो मसाला हमने पीसा था वो भी जाएगा साथ साथ, और इसको आपने इस तरह स्टर फ्राई करते रहना है।
ठीक है। अगर आपको लगे ड्राई है, थोड़ा सा आप तेल और भी इसमें डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में सेम मसाला ही हो। थोड़ा सा आप इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे। रिकैप कर दूं, अजवाइन लीजिएगा, कलौंजी लीजिएगा, ठीक है। फिर उसमें आप डालिएगा राई दाना और आमचूर का पाउडर मैं डालूंगी अभी। लाल मिर्चों का पाउडर है, हल्दी है, सौंफ है और नमक है, और इसमें हमने फेन्युग्रीक सीड्स यानी के मेथी दाना भी डाला है, ठीक है। ये गया इसमें आमचूर का पाउडर यानी ड्राई मैंगो पाउडर। सारी चीज़ें आपने डाल के वो जो अचारी मसाला था उसके साथ आपने इन अरबी को इस तरह स्टर फ्राई करना है। अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा छींटा पानी का देंगे तो ये जल्दी से गल जाएगी। स्लो फ्लेम पे पकाएंगे, बहुत जल्दी गल जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अरबी गोश्त हो, या अरबी को हम गोल गोल स्लाइसेस में काटें। इस तरह काट के ज़रूर इसको पकाइएगा, ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। ये एक तरफ होता रहेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब हम दूसरी चीज़ शुरू करते हैं साथ साथ, जो कि है मेरे पास यहाँ दाल। अच्छा, दाल के लिए सबसे पहले घी लीजिए या फिर आप तेल लीजिए। आई हैव गॉट माई ऑयल हियर, तो इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा तेल इसमें से डालेंगे और यहाँ जो मेरे पास प्याज है उसको मैं हल्का सा ब्राउन कर दूंगी पहले, ठीक है। बहुत थोड़ा सा पानी का छींटा आप डाल दीजिए ताकि मसाले भी ज़रा पक जाएं और इसमें से कच्चापन मसाले का भी निकल जाए। इसको ओवरकुक नहीं करिएगा और बहुत सारा पानी एक साथ नहीं डाल दीजिएगा। प्याज जब हो जाएगा दाल के लिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये तुअर की दाल हम किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले मैंने इसको सिर्फ नमक और हल्दी में पानी के साथ दाल को पका लिया था। सॉरी। फिर इसमें हम डालेंगे टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, ये सारे मसाले हैं, ये सब कुछ जाएगा, ठीक है। दाल पहले बॉईल होगी तो आराम से आप इसको पका सकेंगे। पतली पतली इस तरह आपने अरबी को काटा होगा, बहुत जल्दी ये पक भी जाएगा। वंस इट्स डन आप उसमें निकालना शुरू कर दीजिएगा कटोरियों में। सब्जी की रेसिपी के नाम 888-1 पे SMS करिए, मसाला FD लिखिए, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। आप जीत सकते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल स्लाइसर NX की तरफ से। आज हमारा पास आज गिफ्ट है, ठीक है। ये देखें, इस तरह पकाते जाइए। एड लिटिल लिटिल छीटा ऑफ वाटर। खांसी आएगी सबको आज, सॉरी। थोड़ा सा आप इसमें हरा धनिया शामिल कर दीजिए। यहाँ प्याज मैं तल रही हूँ, उसमें हमें अब क्या डालना शुरू करना है। ऐड माय अदरक लहसुन एंड टमाटर। टमाटर मसाले, आपको सारी रेसिपीज़ एक साथ ही बनानी है मेरी तरह, आप भी बना सकते हैं, वरना आप थोड़ी थोड़ी करके भी बना सकते हैं। दाल में मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली थी, तो यहाँ आपने कम हल्दी डालनी है। लाल मिर्चें और हल्दी चला गया, हरी मिर्चें डालिए और थोड़ा सा राई दाना है। थोड़ा सा ही डालते हैं, ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा, कड़वाहट आ जाएगी। वंस दिस इज़ ऑल डन, आप इसमें बॉयल की हुई दाल डाल देंगे, ताकि ये भी एक रेसिपी हमारी साथ साथ पकना शुरू हो जाए, ठीक है। बस इसको उबाल आ जाएगा तब तक हम पकाएंगे। मीनवाइल इसको चेकआउट करते हैं, पानी और थोड़ा सा जाएगा।
फिर आप एक नाइफ की मदद से चेक कर लीजिए इफ दिस इज डन ऑलमोस्ट. ठीक है, ऑलमोस्ट डन. बस इसको भी हम निकालते हैं. कटोरियां यहाँ हैं उसमें. तो फिर पहली ही ब्रेक में हमने दो चीज़ें तो बना ली हैं, ये अरबी है और ये दाल है. हम ब्रेक लेते हैं, क्लीन अप करते हैं, आके हम ऑल्पर्स मिल्क एंड ऑल्पर्स फुल क्रीम मिल्क एंड ऑल्पर्स डेरी क्रीम के साथ पनीर बनाएंगे. ठीक है, और उसके बाद फिर हम आलू बनाएंगे. ज़रदा है. स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी. अरवी फ्राई अज्जा. अरवी 250 ग्राम, तेल 3 खाने के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस 2 अदद, नमक 1 चौथाई चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पानी 1 खाने का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे. अचार मसाले के लिए राई 3 खाने के चमचे, आमचूर 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 खाने का चमचा, सौंफ 1 खाने का चमचा, मेथी 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, कलौंजी 2 चाय के चमचे, अजवाइन 1 चाय का चमचा. दाल फ्राई अज्जा. तूर दाल अरहर 3 चौथाई कप, कटी प्याज 1 अदद, कटा टमाटर 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, हरी मिर्च 2 अदद, राई 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, नमक हसबे जायका, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा. जी वेलकम बैक. दाल यहाँ ऑलमोस्ट डन है, ये देखें. ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं. आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ. तेल वही मैं यूज़ करूँगी जो मैंने पापड़ तलने में यूज़ किया था. वाई वेस्ट एनीथिंग. सबसे पहले हम इसमें डालेंगे राई. राई यानी मस्टर्ड सीड्स. प्लीज़ कम डालिएगा, ज़्यादा डालने से करवाहट आ जाती है खानों में, ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा. यहाँ मैंने लिए हैं मिर्चें, ये वाली मिर्चें हैं बड़ी वाली. पानी में सोक कर दिया था ताकि आराम से आप इसको यूज़ कर सकें. ठीक है, आई वोंट यूज़ ऑल ऑफ देम. जितना हो सके आप इस तरह झटक दीजिए कि वो जो इसके बीज हैं वो निकल जाएं. ये अच्छा सा एक चार्ड इसका फ्लेवर भी आएगा, कलर भी आएगा. आलू को बॉईल कर दिया है, छिलका उतार दीजिएगा, बड़े पीसेस में उसको काट लीजिएगा. अच्छा जी, मैं इसमें धनिया पाउडर डालूँगी, लाल मिर्चों का पाउडर डालूँगी और हरी मिर्चें हैं, हल्दी है और इसके साथ हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक. थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए इसको. और आलू जो बॉइल्ड थे, आधे बॉइल्ड आलू थे, उसको इस तरह बड़े बड़े पीसेस में काटे हैं, ये डाल दीजिएगा. ठीक है, सिंपल एज दैट. कितनी सिंपल सब्जियों की रेसिपीज़ हैं आप देख रहे हैं. ज़्यादा कुछ पकाना है ही नहीं इसमें. अगर आपने तैयारी की है तो आप भी मेरी तरह इस तरह खाली फट फट छट पट असेंबल कर सकते हैं. आपने सब्जियों की रेसिपीज़ के नाम बताने हैं अगर आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल स्लाइसर एनेक्स की तरफ से जीतना है. तो ये देखें, इसको बस हम इस तरह छोड़ देंगे. नाउ लिटिल लिटिल चार्ड मार्क्स आर सपोज टू कम ऑन इट. ठीक है, हल्के हल्के चार्ड मार्क्स आ जाएंगे तब दैट्स द टाइम जब आप आलूओं को हटा देंगे. सो सिंपल रेसिपीज़ मैं लेके आई हूँ ताकि आप सारी चीज़ें ट्राई कर सकें. नाउ नेक्स्ट रेसिपी हमारी जो है वो पनीर की है. ये है पनीर घर का बना हुआ, बहुत दफ़ा बनाना सिखा चुके हूँ. 2 किलो दूध लीजिएगा, आधा किलो दही डालिएगा, इसमें 1 चमचा भर के नमक डालिएगा, उबाल आने दीजिएगा. उबाल आ जाए पानी अलग हो जाएगा, पानी को निथार दीजिएगा. जब पानी अलग हो जाए वो पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं. जो मलमल के कपड़े में से आपने निकाल दिया हो वो आप जब रोटियां बनाएं तब डालिए उसमें. रोटियां बहुत सॉफ्ट बनती हैं, या चावल उबालें तब डालें. ठीक है, पानी को फेंकिएगा नहीं, जो वे उसका होता है. दाल जब हो जाएगी तो थोड़ी सी हरा धनिया डाल देते हैं. रुबीना है कराची से, उनसे बात करते हैं. जी हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम जरना. जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने फरमाइए. जी आज माशाल्लाह से आप थाली बना रही हैं. थाली का मुझे बड़ा इंतजार था, मुझे बड़ा शौक है थाली बनाने का. ट्राई करिएगा, मुझे भी बहुत पसंद है थाली. जी जी मैं बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी. ठीक है, ओके. और माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेसिपी आप सिखाती हैं, बहुत इजी होती है, घर से सामान मिल जाता है, आराम से बन जाती है. बिल्कुल बिल्कुल. जी जी बिल्कुल. और आपके सवाल का जवाब दे दूंगी. जी अचारी भिंडी, ओके, आलू बैंगन की सब्जी, आलू की भुजिया, लौकी की भुजिया, प्याजी करेले, आलू के पराठे,
अरे वाह, वेजिटेबल कबाब, क्या बात है। ठीक है, थैंक यू। वही सब मैं बनाती हूँ माशाल्लाह से, मुझे बड़ा शौक है सब्जियाँ खाने का। अच्छा जी, खाते रहिएगा, सब्जियाँ बहुत हेल्दी होती हैं, जरूर ट्राई करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़। यहाँ थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी है दाल में। आलू ऐसे सिंगल लेयर में आप देख रहे हैं ना, आलूओं को मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस इसी के मसालों में सिंगल लेयर में। यहाँ से थोड़े से क्रिस्पी होंगे, नीचे से क्रिस्पी होंगे, थोड़े से टर्न करिए, दोबारा इसको आप इस तरह सिंगल लेयर में रखिए ताकि हर तरफ से वो चार्ड हों, थोड़े से क्रिस्पी हों। ठीक है, अच्छा अब हम पनीर की रेसिपी की तरफ आएंगे। उसके लिए मेरे पास यहाँ प्याज है और टमाटर है, जिसको हम मखनी मसाला, इसका जो हम बना रहे हैं आज, क्रीमी सा मज़ेदार सा, वो देखिएगा। ये चली गई चीज़ें, फिर आप उसमें डालेंगे थोड़ा सा केचप और मक्खन। ठीक है, इसको मैं ज़रा टर्न कर दूँ। आई डोंट वांट कि आलू जल जाएं, जलाने नहीं हैं, क्रिस्पी करने हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि आलू एक तरफ से क्रिस्पी हो रहे हैं। ठीक है, बस ये होने दीजिएगा। अब मक्खन लीजिए, मक्खन डाल दीजिए इसमें। अच्छा, फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें हैं, ये मसाला आप बना के भी रख सकते हैं। अदरक है, थोड़ी सी चीनी है, और आलूओं को इग्नोर नहीं करेंगे। ये देखें, पिज़्ज़ा डन, यम्मी। अब निकालते हैं इसको एक कटोरी में। फैसलाबाद से तूबा हैं, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ, मुझे बहुत प्यारी लगती हैं आप, बहुत अच्छा बनाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत फैन हूँ, बहुत बड़ी फैन हूँ, और मैं आपकी फॉरन। अरे भाई, बहुत बड़ी फैन, बहुत शुक्रिया। ये देखें, दाल इज ऑल्सो रेडी। ठीक है, थोड़ी देर बाद जरा दाल को निकालते हैं। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू माई मखनी मसाला, प्याज, टमाटर, अदरक, मक्खन, टमाटो केचप, नमक, नमक मैंने नहीं डाला, और चीनी चली गई, और क्या था, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर था, ये लाल वाला जो रंग जिससे आता है, कसूरी मेथी थी थोड़ी सी। ये सारी चीज़ों को आपने ब्लेंड कर देना है। ठीक है, ब्लेंड एवरीथिंग टुगेदर। ये मसाला एक बेस है जो आप कोई भी कड़ी में पकाते वक्त डाल सकते हैं। अब इसको मैं क्या करूँगी, अच्छा थोड़ा सा ये बच गया है ना, तो इसको हम अपोलो के बॉक्स में निकाल देंगे। ठीक है, एयर टाइट डब्बे हैं, बेहतरीन क्वालिटी के, आप भी घर लाइएगा, इस्तेमाल करिएगा, बहुत डिफरेंट शेप्स हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, हम भी घर में इसको इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा, आलू में मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला है, और इसी तरह आप भी बनाइएगा, रेसिपी ट्राई करिएगा। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट ये आलू है। और मैं हालांकि चम्मच से कर रही हूँ, स्क्रेप नहीं करिएगा, नॉन स्टिक पार्ट ख़राब ना हो जाए। ये देखें, ये आपके आलू कुट के रेडी हो गए, थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन। This is in your Apollo box. Okay, जी, दाल। अच्छा, ऐसे कर रही हूँ मैं कि before I start my next recipe, दाल को हम निकाल देते हैं यहाँ,
क्लीन अप करते हैं और फिर हम जर्दे की रेसिपी यहाँ लेके आएंगे और भी कुछ बचा है तो देख लेंगे। आपके सामने हमें बनाना है अब पनीर मक्खनी मसाला। ये मक्खनी मसाला रेडी है, सो आप कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून की वॉचिंग फूड डायरीज। मैं ज़रा क्लीन अप करती हूँ, थाली बना रहे हैं आज, हम देखते रहिए, स्टे ट्यून। आलू गुटकी, अज्जा, आलू 5 अदद, तेल 4 खाने के चमचे, राई 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, सूखी लाल मिर्च 2 अदद, हरी मिर्च स्लाइस 2 अदद, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, नमक हसब जायका, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे। पनीर बटर मसाला, अज्जा, पनीर कॉटेज चीज़ 500 ग्राम, मखनी मसाला 1 कप, घी और मक्खन 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हसब जायका, तेज़पत्ता 1 अदद, क्रीम 4 खाने के चमचे, दूध 1/4 कप, सूखी मेथी 1 चाय का चमचा। जी वेलकम बैक, हमने अरबी की डिश, दाल वाली डिश, आलू की डिश रेडी करके रख दी है। थाली प्लीज़ दिखाइएगा, वहाँ मैंने पापड़ तल के रख दिया है और एक रोटी रख दी है, ठीक है, रायता है, सैलड है, इस तरह सब कुछ है। एंड ऑफ कोर्स अपोलो के जो कंटेनर्स हैं बहुत अच्छे क्वालिटी के, एयर टाइट, उसमें हमने थोड़ा थोड़ा बचा हुआ खाना भी रख दिया है। तेल या घी ले लें या मक्खन ले लें, उसको आप गर्म कर दीजिए, उसमें आप तेज़पत्ता पहले डाल दीजिए। आपके सामने जो मैंने मसाला पीसा था वो मैं आपको एक बार फिर झटपट रिकैप कर दूं कि पनीर बटर मसाला के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं मक्खनी मसाला, उसमें मैंने 1 प्याज 1 टमाटर डाल दिया था ब्लेंडर के अंदर, उसमें मक्खन डाला था, केचप डाला था, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डाला था जिससे इतना अच्छा रंग आया है, और मैंने कसूरी मेथी डाली थी, अदरक है, नमक है, चीनी है और हल्दी मैंने डालनी है अभी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपने इसमें अंदर डाल देनी है। सो तेज़पत्ता ज़रा थोड़ा सा कड़कड़ा है, उसमें आप थोड़ी सी हल्दी डालिए और थोड़ा सा आप इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करिए और आप इसमें ये मक्खनी मसाला डाल दीजिए पूरा का पूरा। लेट दिस कुक। कलर देखिए, टमाटर और प्याज साबुत साबुत नज़र नहीं आने चाहिए, इस तरह ग्रेवी बना दीजिएगा, ठीक है। ये ग्रेवी बना के आप रख भी सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों में, चिकन वगैरह में भी आप इसको फिर यूज़ कर सकते हैं। पानी लेंगे थोड़ा सा, पनीर मैंने आपको बनाना सिखा चुकी हूँ बहुत दफ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनीर भी, और ये दूध और दही और नमक के साथ ट्राई करिएगा, बनाइएगा। घर में पनीर एक दफ़ा आपने बना लिया फिर आपको बाहर का पनीर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं आज जी, नंबर्स चलाइए ना ताकि हमारे कॉलर्स हमें कॉल कर सकें। वेजिटेबल एंड फ्रूट स्लाइसर एनेक्स की तरफ से किस किस को जीतना है, जल्दी से 8881 पे आप मैसेज कीजिए, मसाला FD लिखिए, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। इस ग्रेवी को थोड़ा सा हमें सिमर करना है, सिमर हो जाएगी तो फिर एंड में हम थोड़ा सा इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे, ठीक है, पनीर डालेंगे। मिसेस खालिक हैं कराची से, लेकिन याद करती हूँ कॉलर्स आ जाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जन्नत, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ शुक्रिया जी, आप सुनाएं। माशाल्लाह बहुत अच्छा शो होता है आपका। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। और आपके सवाल का जवाब भी देना था और एक फरमाइश भी करनी थी। अच्छा जी बताइए बताइए। आंसर करें, अचारी करेले, अचारी भिंडी, आलू की भुजिया, बैंगन का कुर्ता, बघारे बैंगन, आलू तुरई की सब्जी, लौकी की सब्जी, अरे वाह, पालक पनीर, ठीक है, ओके, नोट कर दिया है। और फरमाइश जन्नत ये करनी थी कि गुजराती थाली भी बनाना सिखाएं। मैं गुजराती थाली बनाना सिखा चुकी हूँ 1-2 दफा पहले, है ना? अच्छा जी, दोबारा सिखा दे, दोबारा सिखाऊं अब? आज तो एक थाली की, चले थोड़े अरसे बाद एक और थाली करेंगे। गुजराती थाली में अगर आपको याद होगा मैंने पतली वाली वो दही की कड़ी वगैरह भी बनाना आपको सिखाई थी, चले करेंगे आपके लिए दोबारा, ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ओके नाउ अब क्या रह गया है कि हमें इसमें दूध डालना है, हमें इसमें थोड़ी सी क्रीम शामिल करनी है, ठीक है। ये ग्रेवी देखिए, और पनीर डालने के बाद बहुत हिलाइएगा जुलाइएगा नहीं, मैं कभी भी पनीर तल के नहीं डालती हूँ, मुझे वो नहीं पसंद। सो वील एड सम ऑलपर्स फुल क्रीम मिल्क, जो आसानी से ये खुल जाता है यहाँ से, एंड ये डालिए, का सब मिक्स कीजिए और
आपको पता है कि मैं आपको सिखाया है पहले कि कैसे हम क्रीम मिक्स करते हैं, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू कांट मिक्स इट डायरेक्टली वरना वो फट सा जाएगा. सो यू टेक सम ग्रेवी, इसमें से बोल में डालिए, ठीक है. फिर आप लीजिए क्रीम, ऑलपर्स डेरी की क्रीम, मिक्स कीजिए. छोटी छोटी झटपट तैयार होने वाली रेसिपीज़ हैं ये, बनाइएगा ज़रूर, ट्राई करिएगा. आप अपने वेरिएशंस डाल सकते हैं थाली में, नॉट नेसेसरली कि जो मैंने डाला है वही हो. चूल्हा बंद कर दीजिए और थोड़ा सा हरा धनिया इसमें जाएगा, आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, ठीक है. दिस इज़ नाउ, आराम से इसको मिक्स कीजिए और एक कटोरी में निकाल दीजिए. कितना आसान था. अब हम जर्दे की तरफ आएंगे. बहुत गर्म होगा तो मैं इसको इसलिए यहाँ रख रही हूँ. ठीक है. एंड कोई कंटेनर है यहाँ अपोलो का, उसमें ये सब निकाल देते हैं. क्रीमी सा पनीर मक्खनी मसाला, आप चाहें तो इसके ऊपर मक्खन का एक ब्लॉब एंड में डाल दीजिए, जो मैं करूँगी. यहाँ है थोड़ा सा मक्खन. का लिड और वो पनीर भी ले आते हैं, वो तो अभी बहुत गर्म होगा, इसमें रख के उठाती हूँ. चलिए ठीक है. सो पनीर, दाल, आलू, अरबी, रायता, सैलड, पापड़ और रोटी. अब क्या रहता है जी, अब मीठा रहता है. ब्रेक रहती है, ओके, वील टेक अ क्विक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए. हम क्लीन अप करते हैं ज़र्दा कैसे बनाते हैं बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ, वो आपको सिखाएंगे. चावल यहाँ मेरे बॉइल्ड हैं, सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज. पनीर एंड क्रीमी ग्रेवी. अच्छा, बारीक कटी प्याज 2 अदद, कटा लहसुन 1 खाने का चम्मच, कटी अदरक 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 2 अदद, दूध 1 कप, क्रीम 2 से 3 खाने के चमचे, तेल या घी 3 खाने के चमचे, पनीर क्यूब्स 150 ग्राम, नमक हसबे जायका, पिसी काले मिर्च 2 चाय के चमचे, सूखी मेथी 1 चुटकी, साबुत गर्म मसाला 1/2 चाय के चमच, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, दालचीनी 1 टुकड़ा, काली इलायची 1 अदद, लौंग 2 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमच, तेज़पत्ता 1 अदद. ज़रदा. अच्छा, चावल के लिए, चावल 1 कप, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, लौंग 4 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद, हरी इलायची 4 अदद, ज़ाफ़रान 1/4 चाय का चमच, नमक 1/4 चाय का चमच, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चमच, जर्दे के लिए घी 1/4 कप, काजू 2 खाने के चमचे, किशमिश 2 खाने के चमचे, बादाम स्लाइस 2 खाने के चमचे, पिस्ते स्लाइस 2 खाने के चमचे, दूध 1/2 कप, चीनी 1/3 कप, ज़ाफ़रान 1/4 चाय का चमच. गार्निश के लिए गुलाब की पत्तियाँ 1 चाय का चमच. और अब हम आते हैं समर रस की तरफ, ठीक है. समर रस ये ड्रिंक जो है, इसमें मौजूद कुदरती अर्कियात से बनाया जाता है और इसमें हाई ग्रेड अल्ट्रा रिफाइंड शुगर इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से आपको तबीयत में भारीपन भी नहीं होता है. सो आज हम सिंपल सा समर रस का एक ड्रिंक बनाएंगे. विद पौधे इन आर ग्लास और उसमें हम ऑलपर्स मिल्क डाल के ये आप सर्व कर दीजिए बर्फ़ वगैरह के साथ, ठीक है. आई लीव सम स्पेस फॉर बर्फ. अच्छा जी, ये हो गया. नाउ लेट्स कम टू आवर ज़रदा. उसके लिए मैंने चावल को बॉईल कर दिया था हल्दी के साथ, चुटकी भर हल्दी, ज़ाफ़रान और साबुत गरम मसाले के साथ. फुल डन है, कच्चे नहीं रखिएगा. कच्चे चावल होंगे तो जब चीनी जाएगी उसमें तो वो और जकड़ जाएंगे, वो पकेंगे नहीं. जब ये थोड़ा सा पिघल जाएगा
घी तो मैं यहाँ मेरे पास है काजू बादाम पिस्ते वगैरह, उसको हम फ्राई कर देंगे। किशमिश भी मेरे पास यहाँ है, वो भी हम डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे, ऑल पर्पस का दूध डालेंगे। मैं यहाँ से ले लेती हूँ, आराम से आप इसको खोल भी सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और फिर चीनी और दूध पकाएंगे हम। उसके बाद फिर हम इसमें चावल मिला देंगे और हल्की आँच पे इसको तवे पे दम पे छोड़ देंगे। दैट्स अबाउट इट, वेरी सिंपल, ठीक है। बनाइएगा, ट्राई करिएगा। चावल फुल डन होने चाहिए, बार बार रिपीट कर रही हूँ। नट्स डाल दीजिए, जो भी नट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किशमिश, बादाम, काजू, पिस्ते, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज़। यहाँ भी है, यहाँ भी डाल देते हैं। फिर आप इसमें चीनी डाल दीजिए, मैं दानेदार चीनी लेके आई हूँ आज, पिसी हुई भी डाल सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज़। चीनी को थोड़ा सा घुल जाने दीजिए। इसमें ऑल पर्पस का हम मिल्क शामिल कर देंगे। ये जो एक बॉटल है ना 800 मिलीलीटर्स की, उससे आप 35 ग्लास बना सकते हैं। सोचा आपने कितनी सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। अच्छा, अब हम इसमें ज़ाफ़रान भी थोड़ा सा शामिल करेंगे, थोड़ा सा ज़ाफ़रान जाएगा। ये हैं ड्राइड रोज़ पेटल्स, गुलाब की पत्तियाँ जो सुखा दी हैं मैंने, वो हम बाद में अंदर मिक्स करेंगे। पहले ये चीनी और दूध अच्छी तरह चीनी हो जाए रिजॉल्व। फिर तो आज हमने थाली में आलू बनाना सिखाया, अरबी है बहुत मज़ेदार सी स्टर फ्राई टाइप, दाल है, पनीर मक्खनी मसाला है, और सैलड है, रायता है, रोटी है, जर्दा है, पापड़ है, अचार है। ये जो यहाँ आपको नज़र आ रही है ना, ये मेरी अपनी घर की बनी हुई चटनी है, मैंगो की चटनी है, ठीक है। मैं आपको बनाना सिखा भी आई थिंक चुकी हूँ। दिस इज़ वेरी सिंपल, यू कैन मेक ऑल दिस एट होम। किसी किस्म का अचार बनाना है, अचार बना सकते हैं। चीनी को आपने अच्छी तरह पहले पिघलने देना है। जब आपको लगे चीनी अच्छी तरह पिघल चुकी है, तब आप चावल डालेंगे, थोड़े थोड़े करके आप इसको अंदर मिक्स करेंगे शीरे के साथ, और फिर आप इसको हल्की आंच पे दम पे छोड़ दीजिएगा, ताकि इसमें अच्छी तरह अब्सॉर्ब हो जाए ये पूरा शीरा, ठीक है। फॉर दैट यू नीड अ तवा। नीचे तवा और आंच हल्की और ढक्कन ढक दीजिए। दैट्स इट। ब्रेक की तरफ चलते हैं, रिकैप ब्रेक। बहुत सारी चीज़ें आज बनाई हैं, नोट कर दीजिएगा अपनी डायरी में, बनाना ज़रूर है आपने, ठीक है, घर पे। और वेजिटेबल एंड फ्रूट स्लाइसर है एनिक्स की तरफ से, अगर जीतना है तो जल्दी से मुझे सब्ज़ी के रेसिपीज़ के नाम बताइए। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। टेक अ ब्रेक। आलू गुटकी, अज्जा, आलू 5 अदद, तेल 4 खाने के चमचे, राई 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, सूखी लाल मिर्च 2 अदद, हरी मिर्च स्लाइस 2 अदद, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे। तरकीब, आलू को हल्का सा उबालें और छील कर काट लें। अब गर्म तेल में राई, जीरा, लाल मिर्च और हरी मिर्च 1 मिनट फ्राई करें, फिर आलू डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब बाकी मसाले और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं और ब्राउन होने तक ढककर पका लें, फिर हरे धनिया से गार्निश करके सर्व कर दें। अरवी फ्राई, अज्जा, अरवी 250 ग्राम, तेल 3 खाने के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस 2 अदद, नमक 1/4 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पानी 1 खाने का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे। अचार मसाले के लिए, राई 3 खाने के चमचे, आमचूर 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 खाने का चमचा, सौंफ 1 खाने का चमचा, मेथी 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, कलौंजी 2 चाय के चमचे, अजवाइन 1 चाय का चमचा। तरकीब, अचार मसाले के तमाम मसाले भुने और पीसकर पाउडर बना लें। अब अरवियां बारीक काट लें, फिर गर्म तेल में जीरा, कलौंजी, अदरक और हरी मिर्च डालकर पकाएं। अब अरवी, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और 1 चाय का चमचा अचार मसाला डालकर अच्छी तरह मिला लें, फिर पानी मिलाकर ढकें और अरवी को खस्ता होने तक धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट पकाएं। अब धनिया से गार्निश करके सर्व करते हैं। पनीर बटर मसाला, अज्जा, पनीर कॉटेज चीज़ 500 ग्राम, मखनी मसाला 1 कप, घी और मक्खन 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेज़पत्ता 1 अदद, क्रीम 4 खाने के चमचे, दूध 1/4 कप, सूखी मेथी 1 चाय का चमचा। तरकीब, पैन में घी और मक्खन गर्म करके तेज़पत्ता और मखनी मसाला मिला लें और धीमी आँच पर 4 से 5 मिनट पकाएं। अब क्रीम, नमक, साबित गर्म मसाला
पनीर क्यूब्स और दूध शामिल करके धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट पकने दें। फिर पिसी सूखी मेथी डाल के चमचे से मिला लें। अब क्रीम और धनिया से गार्निश करके सर्व कर दें। दाल फ्राई अज्जा। तूर दाल अरहर 3/4 कप, कटी प्याज 1 अदद, कटा टमाटर 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, हरी मिर्च 2 अदद, राई 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/2 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1/2 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, नमक हसबे जायका, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा। तरकीब। दाल धोकर पानी निकालें और प्रेशर कुकर में हसबे जरूरत पानी, 1 चुटकी नमक और हल्दी के साथ पकाएं। अब गर्म घी में राई डालें। जब वो फैल जाए तो अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज डाल दें। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हल्दी, नमक, पिसी लाल मिर्च और पिसा धनिया शामिल कर लें। अब टमाटर और हरी मिर्च डालकर टमाटर नरम होने तक पकाएं। फिर दाल को तड़का लगाकर अच्छी तरह मिला लें और हरे धनिया से गार्निश कर लें। मखनी मसाला अज्जा। कटी प्याज 1 कप, कटा टमाटर 1 कप, मक्खन 1 खाने का चमचा, टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 1 अदद, पिसी अदरक 1 खाने का चमचा, नमक हसबे जायका, चीनी 1/2 चाय का चमचा, पिसी कश्मीरी मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/2 चाय का चमचा। तरकीब। पैन में मक्खन गर्म करके हरी मिर्च और प्याज लाइट ब्राउन और नरम होने तक फ्राई करें। अब अदरक और टमाटर डाल के टमाटर नरम होने तक पकाएं। फिर नमक, चीनी, हल्दी, टोमेटो केचप और कश्मीरी लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें। तेल अलग होने लगे तो चूल्हा बंद कर दें, ठंडा हो जाए तो ब्लेंड करके पेस्ट बना लें। जरदा अज्जा। चावल के लिए। चावल 1 कप, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, लौंग 4 अदद, तेजपत्ता 1 अदद, हरी इलायची 4 अदद, जाफरान 1/4 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चमचा। जर्दे के लिए घी 1/4 कप, काजू 2 खाने के चमचे, किशमिश 2 खाने के चमचे, बादाम स्लाइस 2 खाने के चमचे, पिस्ते स्लाइस 2 खाने के चमचे, दूध 1/2 कप, चीनी 1/3 कप, जाफरान 1/4 चाय का चमचा। गार्निश के लिए गुलाब की पत्तियां 1 चाय का चमचा। तरकीब। एक बड़े सॉस पैन में भीगे चावल, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी, नमक, जाफरान, हल्दी और पानी डालकर चावलों को हल्का सा उबाल लें। फिर पानी छानकर चावलों में से तमाम मसाले निकाल लें। मीठे चावल के लिए गर्म घी में चंद सेकंड ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके आधे बोल में डाल लें। बाकी ड्राई फ्रूट्स में दूध डालकर 1 से 2 मिनट पकाएं। पके चावलों को बराबर फैलाकर चीनी, तले ड्राई फ्रूट्स और ज़ाफरान मिला दें। फिर पैन को अच्छी तरह ढककर चावलों को धीमी आंच पर पकाएं और गुलाब की पत्तियों से गार्निश करके सर्व कर दें। पनीर इन क्रीमी ग्रेवी अज्जा। बारीक कटी प्याज 2 अदद, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 2 अदद, दूध 1 कप, क्रीम 2 से 3 खाने के चमचे, तेल या घी 3 खाने के चमचे, पनीर क्यूब्स 150 ग्राम, नमक हसबे जायका, पिसी काली मिर्च 2 चाय के चमचे, सूखी मेथी 1 चुटकी, साबुत गर्म मसाला 1/2 चाय के चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, दालचीनी 1 टुकड़ा, काली इलायची 1 अदद, लौंग 2 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, तेज़पत्ता 1 अदद। जी, समर रस से जो हमने आज दूध और समर रस और बर्फ के साथ मिक्स करके एक ड्रिंक बना दिया है, रिफ्रेशिंग सा, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और अपोलो के ये जो बॉक्सेस हैं, एयर टाइट बॉक्सेस हैं, उसमें मैंने ये सारी जो एक्स्ट्रा खाना था वो निकाल दिया है। थाली में हमने यहाँ पापड़ है, रोटी है, रायता है, सैलड है, ज़रदा है। ज़रदा बिल्कुल हल्की आँच पर 15-20 मिनट छोड़ दीजिएगा। मेक श्योर दूध में चीनी घुल जाए, फिर चावल डालिएगा, ठीक है। और खिले खिले चावल इसी तरह बनाइएगा, ऊपर से गुलाब की पत्तियाँ डाल दीजिएगा। और मैंने यहाँ पनीर भी बनाया है विथ यूजिंग अ मक्खनी ग्रेवी बेस, ठीक है। और उसमें हमने दूध भी डाला था ऑलपर्स का, फुल क्रीम मिल्क और डेरी क्रीम उनकी डाली थी हमने, ऊपर से भी आप ड्रिजल कर सकते हैं। और आलू हैं, इसी तरह के बड़े बड़े पीसेस बनाइएगा। और अरबी मैंने बनाना सिखाई है मैचस्टिक के पीसेस में काट के, पतली पतली जैसे हम अदरक काटते हैं वैसे, जल्दी बन भी गई थी। और पानी का छींटा डालिएगा, बहुत ज़्यादा चिपक चिपक भी नहीं हुआ है, बिकॉज मैंने ज़्यादा पानी तो इसमें डाला ही नहीं है। सो इसी तरह आप रेसिपीज ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। येस ऑफकोर्स देयर इज दाल एज वेल। फूड स्टोरेज बंडल्स इनके अवेलेबल हैं, अपोलो के क्रिस्पर फूड कंटेनर गिफ्ट पैक्स हैं, ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स हैं, आराम से स्टैक हो सकते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के भी हैं, मैं भी घर में यही इस्तेमाल करती हूँ। एयर टाइट इनके लिड्स हैं, स्नैक जार्स हैं, लैचेस वाले भी हैं, स्मार्ट जार गिफ्ट सेट्स वगैरह भी हैं, और शेफ़ फूड वार्मर भी है, जो फिर हम नेक्स्ट टाइम आपको किसी और शो में दिखाएंगे। सो आई होप आपने आज की ये सारी रेसिपीज़ नोट की होंगी, आप इनको बनाएंगे, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल मैं चने की दाल का हलवा बना रही हूँ, लेकिन चॉकलेट डाल के, आपको देखना है हमारा शो, क्योंकि कल मिल्कीज़ हम यूज़ करेंगे। और मैं कल बनाऊंगी वेजिटेबल और बीफ के कीमे के साथ लज़ानिया। सो ज़रूर मेरा शो कल 3 से 4 भी लाइव देखिएगा, देखना मत भूलिएगा। चलिए, दीजिए मुझे और मेरी टीम को अब इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।
Add some masala to your life.